हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेल, आई एम सुमित कुमार फ्रॉम ज्ञानवर्धन एकेडमी। वेलकम इन माय चैनल ज्ञानवर्धन एकेडमी। दैट्स व्हाई सो आई एम रेडी स्पीक अबाउट जनरल अवेयरनेस टू डिस्कस 3 मार्च सेकेंड शिफ्ट 2020 होल्ड्स एग्जामिनेशन। जो थर्ड मार्च को जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम, उसी के बारे में जनरल अवेयरनेस आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। जनवरी 2020 में राज्य विधानसभा ने राष्ट्र प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड यानी रिकोस्टिलिस रेटुसा नामक मिलाकर एक नया लोगो अपनाया गया था। तो किसने बनाया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? तो ये फूल का नाम देख ही रहे हैं आप दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ने बनाया था 2020 में। क्वेश्चन नंबर, ये करंट अफेयर था। क्वेश्चन नंबर, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोली पिंड के नाम से जाना जाता है जो रात में। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? गुजरात में माधवपुर मेला मनाया जाता है। गुजरात में माधवपुर मेला मनाया जाता है। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित किया गया था? तो बांगपेट हवाई अड्डा पर निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, लेट्स फ्रेंड, किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? तो लोधी गार्डन्स पार्क को द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए दोस्तों, निम्नलिखित त्योहारों में किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स लाई होरवा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हरियक वंश का अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का। हरियक वंश का शासक का अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। कौन सी प्राणी है जो कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो घोंगा कशेरुकी प्राणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नाइन, बॉम्बे अब हाई गेटवे ऑफ इंडिया आधारशील किस वर्ष की गई थी? बॉम्बे अब मुंबई हो गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था? 1913 ईस्वी में। कर्नाटक की जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य? कोडागु जिला है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य। निम्नलिखित में कौन सिरके का प्रमुख घटक है? सिरके का प्रमुख घटक कौन है? तो एसिटिक एसिड सिरके का प्रमुख घटक है। भौतिक का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनकी बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 से भी कम हो जाता है? तो ये कूलम का नियम है। ये क्या बताया? कूलम का नियम ने बताया, भौतिकी का वह नियम जो दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उसके बीच बल उसके पूर्व मान से 1/4 कम हो जाती है, ये कूलम का नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर थर्टीन में बोड़ा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में किस पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला दोस्तों, 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान था? ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत सातवां स्थान था, सातवां। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पुस्तक बार बार एग्जाम में CHSL एग्जाम में पूछा गया, CGL एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है।
पुरातत्वेता आर गोस्वामी नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय केला कला सम्मेलन में सम्मिलित किया गया? तो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो इंग्लैंड। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने थे? फवाद मिर्जा। 19, कौन सी ग्रंथि है जो फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है? बाली ग्रंथि यानी थैमस ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 20, जब प्याज काटते हैं तो सिंथेसिस एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को एसिड में परिवर्तित कर देता है, तो सल्फोनेट एसिड है। सल्फोनेट एसिड क्या करता है? अमीनो एसिड सल्फाइड को एसिड में बदल देता है, सल्फोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकी प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया है? तो ITI कानपुर के साथ हाथ मिलाया है। 21 में। क्वेश्चन नंबर 22 में, वैश्विक निवेश सम्मेलन ASCENDI 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो केरल राज्य में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद अंतिम शासक था। 24 में, खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC का पहला रेशम प्रसंस्करण सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो गुजरात राज्य में खोला गया। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। ओके दोस्त फ्रेंड्स, इसी टाइप की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करें। हाँ दोस्तों, एक बात, सब्सक्राइब बटन की घंटी वाला को, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी टाइप के नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे, और अपने दोस्त फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।